नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मैं हूं आपके साथ विकास मेल और इस समय मौजूद है करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर, जहां पर एक दर्दनाक हादसा है जिसमें एक पिकअप गाड़ी का एक्सल टूटा हुआ था और जो फ्लाईओवर के ऊपर जो गाड़ी खड़ी हुई थी उसे ठीक किया जा रहा था और इसी दौरान एक बाइक पर तीन जो लोग सवार होकर आते हैं, फिलहाल उनमें बताया जा रहा है कि जो दो व्यक्ति थे, एक लड़की बताई जा रहा है जो गुड़िया थी, छोटी थी, लेकिन फिर प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है तीन जो लोग इस बाइक पर सवार थे। बाइक का नंबर H405AG1AC, दोबारा से नंबर बताना चाहूँगा, H405AC1476 जो बाइक का नंबर है जिस पर जो तीन व्यक्ति सवार थे, हालांकि एक बताया जा रहा है गुड़िया उसमें मौजूद थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ पर एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर H469D0547 जो यहाँ पर खराब हुई खड़ी थी, जिसका एक्सल टूटा हुआ था और यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा हो जाता, पीछे से बाइक आती है और इसमें लगती है, जिसके बाद घायल अवस्था में तीनों को यहाँ से हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन फिलहाल तीनों की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। जो आसपास के लोग हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें तीनों बुरी तरह से जख्मी जरूर हुआ, जिसके बाद करनाल पुलिस मौके पर पहुंची नजर आ रही है, जो हाईवे पुलिस मौके पर है और जो शव वाहन जो अन्य जो वाहन है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुलिस के जो वाहन है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों से अपील है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि त्योहारों के दिनों में इस प्रकार से हादसा हो जाना और रुतबा के बिल्कुल सामने ये हादसा, जहाँ पर कुछ ही देर में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी यहाँ पर पहुँचेंगे। डायल 112 से जो पुलिस के कर्मचारी जो मौके पर पहुँचे थे वो भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, क्या हादसा हुआ था, क्या जानकारी मिली थी? सर, जानकारी मिली थी कि एक ये पिकअप जो बीच में ख़राब हुई हुई थी, तो उस दौरान ये तीन लड़के एक बाइक पर सवार थे, तीनों ही इंजर्ड है। तो बताया जा रहा कोई लड़की नहीं थी? नहीं नहीं, लड़की नहीं थी, बच्चा था उनके साथ। और ये आगे जो बाइक खड़ी है उसका पता नहीं, एक बाइक पर तीन लड़के सवार थे, तो इन्होंने जो पिकअप खड़ी है इसके बैक पीछे से लगी है, पीछे से लगी है। तो अभी उनकी हालत कैसी है? उनकी हालत उनकी गंभीर है, तीनों को ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में भिजवा दिया। पिकअप गाड़ी खराब हुई थी जिसके पीछे बाइक सवार कितने थे? तीन बाइक पे, एक बाइक पे तीन सवार थे। तो कार्यक्रम भी आज मुख्यमंत्री के सामने ही? हाँ सर, ये तो है ही है जी, ये तो हादसा है सर, कैसे भी पता नहीं। तो आप देख सकते हैं डायल 112 के कर्मचारी मौके पर तुरंत पहुंचे और जो जो हाईवे पुलिस है वो भी मौके पर, और रुतबा जो आप सामने देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यहां पर पहुंचेंगे, दिवाली समारोह में जो कार्यकर्ताओं से मीटिंग यहां पर करेंगे। और आप देख सकते हैं और उसी दौरान यहां पर हादसा हो जाता है और जो पिकअप गाड़ी जो खराब हो रखी थी उसका एक्सल टूटा हुआ था, उसका काम चल रहा था और इसी दौरान पीछे से बाइक आती है, उस पर जो प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है दो से तीन व्यक्ति थे, फिलहाल प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। जो डायल 112 की टीम थी उन्होंने बताया कि उन्हें किस प्रकार से घायल अवस्था में फिलहाल यहां से हॉस्पिटल भेज दिया गया और उसके बाद अब जो गाड़ी को भी यहां से हटाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर वो भी यहां पर पहुंचेंगे। दार रुतबा के बिल्कुल सामने ये हादसा हुआ जिसमें पिकअप गाड़ी खड़ी थी और पीछे से एक बाइक सवार आते हैं और उसमें उनकी टक्कर हो जाती है, एक दर्दनाक ये हादसा हुआ। त्योहारों के दिनों में हादसा हुआ तो कहीं ना कहीं हम भी उम्मीद करेंगे कि वो सभी सुकुशल हो, लेकिन जो बताया जा रहा है फिलहाल उनकी हालत जो है वो गंभीर है। बाइक का नंबर हमने आपको दिखाया और जो गाड़ी या पिकअप यहाँ पर खड़ी थी उसका एक्सल टूटा हुआ था, लेकिन फिलहाल उसको ठीक किया जा रहा था, इसी दौरान ये हादसा हो जाता है। और जो गाड़ी के जो ड्राइवर हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपकी गाड़ी है सर, क्या 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 पूरा मामला हुआ था, क्या जानकारी मिली? सर, ऐसा इसमें राशन ले जा रहे थे कोटे का, तो इसका एक्सल टूट गया वहाँ ऊपर, ठीक है, तो आराम से मैंने सोचा भाई थोड़ा आराम से नीचे नहीं उतर जाएगी, तो ये उतरी नहीं, यहाँ आके इसका एक्सल टूट गया, गाड़ी आगे नहीं हो रही पीछे नहीं हो रही, तो राशन तो हमने दूसरी गाड़ी में लोड करवा के भेज दिया। जैसे मिस्त्री आ रहा था तो हम काम कर रहे थे मिस्त्री के साथ, तो पीछे से आके मोटरसाइकिल वाले ने सीधे ठोक दिए। तो कितने लोग थे बाइक पर? दो लड़के थे, एक गुड़िया थी, छोटी थी बच्ची। हाँ जी। अच्छा, तो कैसी स्थिति है उनकी अभी? स्थिति एक थोड़ा ज्यादा सीरियस है और दो ठीक है। वो हॉस्पिटल भेज दिया? हाँ जी हाँ जी, एम्बुलेंस से भेज दिए। एम्बुलेंस से भेज? हाँ जी हाँ जी, ठीक। तो ये हमारे साथ ड्राइवर थे, जो टेम्पो यहाँ पर खड़ा है, जो पिकअप गाड़ी है उसके ड्राइवर है, उन्होंने बताया कि इस प्रकार से एक्सल टूट जाता है, उसे पुल से नीचे करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो बीच में ही बंद हो जाता है, उसको यहाँ पर रिपेयर किया जाता है। उसी दौरान ये बाइक आती है और इस टेम्पो के अंदर घुस जाती है, पिकअप के अंदर, और बाइक का नंबर दोबारा से दिखाना चाहूँगा H405AC
और जो 1476 जो नंबर है फिलहाल बाइक का नंबर है, स्प्लेंडर प्लस बाइक है जो, और पिकअप गाड़ी का भी मैं आपको नंबर दिखा दूंगा। जो चप्पल है जो देख आप देख सकते हैं कि बच्चे की चप्पल है जो, और एक व्यक्ति की चप्पल है। फिलहाल जो तीन लोग इस पर बताए जा रहे हैं, जो तीन लोग इस पर सवार थे, दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ। गाड़ी का नंबर भी HR69D0547 जो गाड़ी का नंबर है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर नेशनल हाईवे पर आप चलते हैं या स्टेट हाईवे पर चलते हैं, अपनी गाड़ी की जो सीमा है उसको नियंत्रण में ज़रूर रखें, क्योंकि इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं जिसके बाद आपके परिवार को पछताना पड़ता है। हालांकि जो तीन व्यक्ति बताए जा रहे हैं, तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसमें एक बच्चा भी बताया जा रहा। हालांकि लड़का है लड़की, वो प्राथमिक तौर पर जानकारी मिलेगी, बाइक पर तीन लोग सवार थे, एक दर्दनाक हादसा हुआ। हालांकि उनको जो ट्रॉमा सेंटर यहाँ से भेज दिया गया, फिलहाल तीनों का इलाज वहाँ पर चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ पूरा मामला निकल कर सामने आता, किसकी क्या गलती थी। लेकिन आप सभी लोगों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ अपील करता है, नेशनल हाईवे पर स्टेट हाईवे पर चलते हैं तो अपनी जो गति सीमा है वाहन की उसको नियंत्रण में जरूर रखें, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार इंतजार कर रहा है। करनाल से विकास महला, करनाल ब्रेकिंग।